नियमरे ऑफिसर स्तर में बड़ा धरण अदल बदल मुख्यमंत्री ऑफिस रे कार्यरत ओएस कैडर बदली हो 22 जन ओएस अधिकारी सीएमओ रु अपसारण करा निज विभाग को बदली करा ओएस कैडर अनेक अधिकारी बदली होता बेले सेपटे अनेक पुराणा अधिकारी भी एवं भी सीएमओ रे अच्छा आमान नहीं मुख्यमंत्री कार्य करे ना से भी बदली करा से संपर्कित तथ्य स्पष्ट होनी एणे सतीश चंद्र सामल को मुख्यमंत्री अतिरिक्त व्यक्तिगत सचिव भाव में दायित्व दि जापरी विनोद बिहारी सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय निजुक्ति मिली अर्थात बड़धरण अदल बदल वर्तमान सीएमओ रे देखा मिलूँ आउ जो नवकलेबर कथा कहद्वारा निश्चय आशा रखा जे सीएमओ अधिक तार कार्यकुशलता बढ़ आशाटी रही जेहेतु नुआ सरकार आ मुख्यमंत्री आेणु तारी आधार रे वर्तमान सीएमओ रे बड़ परिवर्तन अधिक आलोचना करवा आम सहित कलिंग टीवी प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार न्यूज रूम रु जोड़ी होती हेमंत जो सीएमओ रे जो व्यापक परिवर्तन करा जाई ओएस स्तर रे जो अधिकारी 22 जन को अपसारण करा जाई आ दुई जन जो व्यक्तिगत सचिव भाव में सतीश चंद्र सामल को एवं विनोद बिहारी सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ रे मध्य नियुक्ति मिली अर्थात जमती परिवर्तन कथा कहा जाए साधारणतः जो माने ओडिशार प्रशासनिक कल को माने अधिक क्रियाशील करने जो उद्यम रही था सीएमओ से भली कि हाँ निश्चय देखो मृणाली भाव में 22 जन ओएस को अपसारित कर गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस तेणु से नुआ टीम नवकलेवर कराई जो भाव में देखते सतीश चंद्र सामल जी की एडिशनल व्यक्तिगत सहायक अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक भाव दायित्व नहीं सचिव भाव नहीं भाव में विपिन बिहारी सिंह तुम दायित्व मिली तेणु मृणाली देखा जदि गोटे पर गोटे जो 22 जन को अफसर कराई नुआ टीम को निआई यहाँ अधिक क्रियाशील करने गोटे नुआ ढांचा करने तार गोटे नुआ नवकलेवर होने कारण ये गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस नुआ मुख्यमंत्री आसिले नुआर टीम रही था से टीम को लेकिन चलती तेणु निश्चित भाव में ये जो मूल डिपार्टमेंट को सेने फेरीजे जो भाई भाव में ये सब थे 22 जन ओएस अधिकारी को अपसारित कर तारी भितर अपेक्षा निश्चय रही वरिष्ठ जो माने ऑफिसर स्तर रे बदली हेब कि अर्थात आहुरी क्रियाशील करने मुख्यमंत्री जमती जो टीम कथा आप कहले जमी आम मंत्रिमंडल कथा देखी था विशेषकर प्रशासनिक कल को अधिक क्रियाशील करने मुख्यमंत्री जो प्रेरोगेटिव रही आधार में किसी परिवर्तन होती से भाई आशा करापे निश्चित देखते मृणाल जो भाव वर्तमान तांकर ओएस स्तर में बदल होती आगू आम देखा पाइबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर में अन्य स्तर में कौन हो अपेक्षा रही जो 22 अधिकारी अपसारित कर मूल डिपार्टमेंट को नियाजाई यहाँसह किए रोचर आई एस स्तर में जो सीएमओ रे कौन सब परिवर्तन ताको अपेक्षा कराई आज जानते वर्तमान मात्र कई दिन हो सरकार तेणु या चलचंचल करने क्रियाशील करने इफेक्टिव करने प्रसा एडमिनिस्ट्रेशन को यही बदल कर चर्चा होमंत जमी आप कहले साधारणतः सीएमओ कथा कहले चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस अर्थात मुख्यमंत्री कार्यालय जो उद्देश्य रही प्रशासनिक कल को माने सीएमओ सहित पूरा सिस्टम को केमी अधिक क्रियाशील करमती जो योजना गुड़िक सरकार रही तार कार्यान्वयन को केमती आहुरी त्वरान्वित करिवे एवं कोठी जमती आम देखीचे विभिन्न मंत्री माने जेते बेले तांकर मंत्री पद नहीं ग्रहण करिसेंति बा दायित्व ग्रहण करिसेंति सेही समय रे जो भली मंतव्य भी आसी जे कौनसी प्रकार दुर्नीति को प्रश्रय दिया जीव नाही सेही आधार रे अधिक केमती एक्टिव करा जीव सिस्टम को सेथि पई ये प्रस्तुति की निश्चित निश्चित भाव मृणाल आप जानते कि जितेबाला सरकार परिवर्तन होता है सी तांकर टीम नहीं था आउ वर्तमान आम देखिले कि सतीश चंद्र सामल अतिरिक्त व्यक्तिगत सचिव भाव दायित्व नहीं विपिन बिहारी सिंह को नहीं आउ 22 जन को सेठ अपसारण कराई आग को जो जो आई एस स्तर में कौन रही क्या दि जाऊँगी कौन नुआ टीम रोचे किए रोचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोचे किए अन्यान्य पदपदवी रोचर नजर रही तो खूब से शीघ्र यहाँ गोटे पुणि थे गोटे फुल फ्लेज टीम करा नुआ टीम करा फल कि
ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏଇ ନବକଳେବର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବେ, ସେଇ ଆଧାରରେ କେମିତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋହନ ମାଝୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯାହା ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ପଲିସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତାକୁ ପଲିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବା ସହ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିଶା ଦେଇଥାଏ ସିଏମ୍ଓ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଏମ୍ଓର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ନବକଳେବର ହେଉଛି, 22 ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ IAS ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନବକଳେବର ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ମୃଣାଳ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେମନ୍ତ, ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।